रहे हैं लगातार डॉटिन मैं जीतन कुमार हूँ। देवघर में लगातार कोरोना के लगातार मामले में इजाफा हो रहा है, इसको लेकर सरकार की तरफ से जो आदेश दिया गया है, देवघर बाबा मंदिर के प्रांगण में इस वक्त मैं हूँ और यहाँ पर COVID-19 का हर संभव पालन किया जा रहा है। मसलन कि वैसे लोगों को एंट्री देने की तैयारी है जिन लोगों ने कोरोना के दोनों वैक्सीन ले लिए हैं, वैसे ही लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। देवघर उपायुक्त ने इसकी कल से पहल शुरू कर दी है। उसकी हकीकत, उसकी रियलिटी चेक करने हम देवघर बाबा मंदिर के आसपास के इलाकों में हम पहुंच चुके हैं। हमारे साथ देवघर के मंदिर पुजारी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। बाबा, कितना पालन किया जा रहा है यहाँ पे? कोरोना का जांच हो रहा है, सुबह 6 से 9 तक लगाया जाता है, लगभग 3 घंटा में होता है। उसका एवरेज निकाला जाता है कि एक भी अगर आए केस तो उस पे लिया जाए। तो अभी लगातार 3-4 दिन से हो रही है, अभी तक कोई केस नहीं आया है जी। और सब कोई को मास्क पहनना जो रहते हैं उन्हीं को एंट्री दिया जाता है। अभी बाबा के गर्भगृह में मास्क का चेकिंग बहुत कड़ाई से किया जा रहा है। देवघर उपायुक्त के तरफ से कल से ये नियम लागू किया गया कि जिन लोगों को दोनों वैक्सीन लग चुके हैं वो उनको सर्टिफिकेट दिखाने होंगे और उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी, ऐसा पालन हो रहा है? वो तो 1 जनवरी से ही कहा गया है, मगर वो 1-2 दिन में पालन मतलब चेक होना शुरू होगा। अभी नहीं हो रही है? अभी उसका तो नहीं हो रही है। अभी नहीं हो रही है? जी 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 अच्छा, आप दोनों वैक्सीन ले चुके हैं? जी, हम लोग डबल डोज ले चुके हैं। अच्छा, बूस्टर डोज आपने ले ली? जी जी, अभी तो नहीं लिए हैं। नहीं, नहीं। और भी हम लोग के लिए आया अभी नहीं ना बूस्टर डोज? बूस्टर डोज 6 महीने के बाद ना मिलता है बूस्टर डोज। अच्छा, ये बताइए कि अभी कोरोना वैक्सीन जिन्होंने दोनों वैक्सीन ले लिया है सर्टिफिकेट दिखाने होंगे, वैसे लोग आ रहे हैं यहाँ पर? सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है? हाँ, किया तो जाता है, अभी भीड़ ही कहाँ है, अभी तो आ ही नहीं रहा है यात्री, अभी भीड़ एकदम कम है। अच्छा, सर्टिफिकेट चेक नहीं किया जा रहा अभी? किया जाता है। कहाँ कहाँ पर? मैंने तो देखा वहाँ वहाँ उस संस्कार भवन में जहाँ से लाइन लगती है। अच्छा, हाँ हो रहा है चेक? हाँ हाँ। अच्छा, और वो सवेरे तो 2 घंटा के लिए यहाँ भी लगता है वो कोरोना जांच वाला भी। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा राहुल बाबा। राहुल बाबा, आप बाबा बताइए कितना पालन हो रहा है? तो भी पालन यहाँ पे सही सब हो रहा है। बात है क्या, अभी जो गंगा सागर वाला मेला जो है ना, वही एमपी यूपी से यात्री लोग जो आ रहे हैं बस से, वही लोग हैं। और मक्के यहाँ पे अभी यात्री कोई नहीं है, नहीं, मंदिर एकदम खाली है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं। मेरा नाम शंकर पंडा है। शंकर पंडा है जी। या आप यदि देवघर मंदिर आते हैं एक चीज का ध्यान जरूर रखेंगे, आपने अगर दो वैक्सीन, दोनों सुई का वैक्सीन अगर लिया है उसका सर्टिफिकेट या तो हार्ड कॉपी या फिर मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी जरूर रखें, तो कि क्योंकि यहाँ पर दोनों कॉपी की बारीकी से चेकिंग की जा रही है और COVID-19 का भी बारीकी से चेकिंग किया जा रहा है। देवघर से लाइव लगातार के लिए मैं जीतन कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।